इस वीडियो में हम बात करेंगे द न्यू WWE चैंपियन एजे स्टाइल्स के बारे में। दोस्तों, हमें एक बड़ी शॉकिंग न्यूज अभी मिली है। एक बड़ा चैंपियनशिप मैच हुआ एजे स्टाइल्स वर्सेस जिंदर महाल के बीच, और एक घमासान मैच के बाद जिंदर महाल ये मैच हार गए। एजे स्टाइल्स ने जिंदर महाल को फिनोमिनल फोराम दिया और पिन करके बन गए न्यू WWE चैंपियन। तो अभी सर्वाइवर सीरीज में बड़ा चेंज होगा। जिंदर वर्सेस ब्रॉक लेसनर की जगह हमें देखने मिलेगी एजे स्टाइल्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर की मैच। दोस्तों, स्मैकडाउन में रैंडी ऑर्टन वर्सेस रूसेव की भी मैच हुई। अगर ये मैच रूसेव जीते तो वो फिफ्थ मेंबर बनेंगे स्मैकडाउन टीम के, पर रैंडी ऑर्टन ने उनको हरा दिया इसलिए वो फिफ्थ मेंबर नहीं बन पाए। अभी भी फिफ्थ मेंबर की जगह बाकी है स्मैकडाउन टीम में, तो हो सकता है कि WWE जिंदर महाल को फिफ्थ मेंबर बना दे स्मैकडाउन टीम का। ये बड़ा कंफ्यूजिंग डिसीजन था कि क्यों WWE ने जिंदर को टाइटल हरवाया। अभी इंडिया टूर भी है नजदीक, जहां एडवर्टाइज हुआ था कि जिंदर महाल वर्सेस केविन ओवंस की मैच होगी फॉर WWE चैंपियनशिप। अब वो मैच होगा या नहीं वो पता नहीं। यहां दोस्तों कुछ पॉसिबिलिटीज है। जिंदर महाल अगले हफ्ते स्मैकडाउन में रीमैच मांग कर एजे स्टाइल्स को हरा देंगे और फिर से बन जाएंगे WWE चैंपियन। या फिर इंडिया टूर में मैच होगी एजे स्टाइल्स वर्सेस जिंदर महाल फॉर WWE चैंपियनशिप, जहां जिंदर महाल दिल्ली में एजे को हराकर टाइटल जीतेंगे। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है दोस्तों, इसलिए हमें वेट करना पड़ेगा अगले अपडेट के लिए। इसलिए स्टे ट्यून्ड रहिए दोस्तों रेसलिंग बादशाह पर। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप खुश है एजे स्टाइल्स के WWE चैंपियन बनने पर। तो गाइज, मुझे उम्मीद है कि आपको सच में ये वीडियो तो बहुत अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक, इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह की WWE अपडेट्स, न्यूज़, रूमर्स और इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती रहे। सो सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो।